नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक क्यू टीम चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड की लेटेस्ट ओएस की, जो इसी ईयर रिलीज होने वाला है। एंड्रॉइड के अभी तक एंड्रॉइड 9 वर्जन तक आ चुके हैं, जो एंड्रॉइड पाई के नाम से है। और अभी एंड्रॉइड का वर्जन 10 ओएस आने वाला है, जो एंड्रॉइड क्यू क्यू पे कोई भी नाम होगा, जो एंड्रॉइड ओएस 10 को दिया जाएगा। अभी इसी ईयर अगस्त 2019 तक गूगल आईओ 2019 में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो गूगल का जो एंड्रॉइड ओएस 10 है, उसके कौन कौन से फीचर अभी आने वाले हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फीचर है सिस्टम वाइड डार्क मोड। डार्क मोड बहुत सी एंड्रॉइड के एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल होगा। बहुत सी गूगल की एप्लीकेशन ऐसी हैं जो डार्क मोड सपोर्ट करती हैं। कहने का मतलब, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपका जो एंड्रॉइड ओएस है, उसी में ही डार्क मोड होगा। आप उसी को इनेबल करते तो सभी बाकी सभी एप्लीकेशन में डार्क मोड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। बस उसके लिए क्या है, एप्लीकेशन भी दोबारा अपडेट की जाएंगी जितनी भी आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन आती हैं। आजकल बहुत सी एप्लीकेशनों में डार्क मोड फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो फैसिलिटी अभी आएगी। ओके, सेकेंड जो फीचर है, सपोर्ट विद फोल्डेबल डिवाइसेस। सैमसंग और हुवाई ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि अभी वो फोल्डेबल फोन लॉन्च करने वाला है। तो गूगल का जो ओएस आने वाला है, वो भी फोल्डेबल डिवाइस को सपोर्टेबल होगा, कि जो फोल्डेबल डिवाइसेस हैं उनमें मल्टीपल साइज की स्क्रीन होगी, तो उसी हिसाब से वो ओएस अपने आप ही स्क्रीन का साइज एडजस्ट करेगा, अपने आप ही स्क्रीन का साइज एडजस्ट करेगा। नेक्स्ट चीज है इनहांस पीआईपी मोड, इनहांस पिक्चर इन पिक्चर मोड कह लो, या तो आप मल्टीटास्किंग कह लो। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप फोन को एंड्रॉइड फोन को यूज करते हैं, तो आप अभी कैसे करते हैं, दो स्क्रीन एक साथ वर्क कर सकते हैं। इनहांस पीआईपी मोड में क्या होगा, बहुत सारे एप्लीकेशन पे एट ए टाइम वर्क कर सकते हैं। और यदि थोड़ा सा और हम एलोबरेट करें, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप कंप्यूटर में एक विंडो ऑपरेटिंग एक एक्सप्लोर विंडो खोलते हैं, दूसरा एक्सप्लोर विंडो खोलते हैं, यहाँ से फाइल यहाँ मूव करते हैं, ये सब पॉसिबल होता है विंडोज में, मतलब डेस्कटॉप में। लेकिन अभी ये सब चीजें पॉसिबल होंगी आपके एक एंड्रॉयड फोन में। अभी तक एंड्रॉयड ओएस का अपडेट कैसे मिलते थे, कि गूगल वेंडर को भेजता है, जो जिस कंपनी का आपने मोबाइल लिया, फिर वो अपने सिस्टम में अपडेट चलाते हैं और फिर आपका फोन अपडेट लेता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट जो गूगल अपडेट करता है, वो आपको डायरेक्ट कभी नहीं मिल पाता है, थ्रू एक चैनल आता है। लेकिन अब जो नया एंड्रॉइड ओएस आएगा, उसमें आपको अपडेट उस कंपनी से नहीं, डायरेक्ट कहां से, प्ले स्टोर के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएंगे। एंड्रॉइड ओएस की बात कर रहा हूं मैं, एप्लीकेशन की नहीं। एप्लीकेशन के अपडेट तो अभी भी प्ले स्टोर से ही मिलते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को जो अपडेट है, अब वो आपको प्ले स्टोर से नेक्स्ट टाइम में मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम परमिशंस की। एंड्रॉइड ओएस 10 में परमिशंस को मोर सिक्योर किया जा रहा है। अभी तक एंड्रॉइड में जो एक सिक्योरिटी लूप होल है, वो परमिशंस का है, जो यूजर पे डिपेंड करता है। एंड्रॉइड ने हमेशा उसको यूजर पे डिपेंडेबल बनाया है, कि यूजर परमिशन अलाउ करता है तो चीजें एक्सेस कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। और अभी होता क्या है कि परमिशंस बैकग्राउंड में चलती रहती है। कहने का मतलब, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद में एप्लीकेशन बहुत सारी परमिशन मांगती है, लोकेशन, कैमरा, फोन, मैसेज, कॉन्टैक्ट्स, इन सब की परमिशंस, और आप अलाउ कर देते हैं, उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी वो एप्लीकेशन हो सकता है कि आपकी उस परमिशन की एक्सेस की मदद से, और वो डाटा आपका एक्सेस कर रहा हो। तो ये चीजें हमको दिखती नहीं है। अब एंड्रॉइड आने वाले ओएस में ऐसा होगा कि आपको परमिशन, जो भी आपने परमिशन दी है, और यदि कोई एप्लीकेशन वो डाटा यूज कर रही है, तो आपको दिखेगा। और आप परमिशंस को क्या कर सकते हैं, कि अलाउ कर सकते हैं कि एक टाइम के लिए अलाउ करना है या ऑलवेज अलाउ करना है। जैसे आईफोन वगैरह में आता है कि आप परमिशंस को वन टाइम अलाउ कर सकते हैं, ऑलवेज अलाउ कर सकते हैं, तो ऐसी ही परमिशंस की सेटिंग्स अभी एंड्रॉइड ओएस 10 में भी आने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है फेस रिकॉग्निशन, या फेस आईडी डिटेक्शन जिसको हम बोलते हैं। फेस आईडी डिटेक्शन अभी भी एंड्रॉइड में उतना इफेक्टिव नहीं है। यदि आप अभी जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, उसमें यदि आप किसी की फोटो आगे लेके जाएंगे, तो फेस लॉक जो लगाया हुआ है, वो अनलॉक हो जाता है, मतलब स्मार्ट लॉक नहीं है। तो अभी जो आने वाले ओएस है, उसमें उसको और ज्यादा स्मार्ट बनाया जाएगा, और आप फोटो वगैरह से किसी फोन को अनलॉक नहीं कर पाएंगे जिसमें फेस रिकॉग्निशन यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट फीचर है डाउनग्रेडिंग ऐप। तो जितनी ओएस थी एंड्रॉइड की, उनमें आप यदि एक बार एप्लीकेशन का अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर आप दोबारा से डाउनग्रेड में नहीं जा सकते, मतलब दोबारा से प्रीवियस वर्जन यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी, अब ओएस जो आने वाली है, ओएस 10 जो आने वाली है, उस ओएस 10 में आप आपके हिसाब से आप प्रीवियस वर्जन में भी जा सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए टेक्यू टीम चैनल को, लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।